अति दुर्भाग्य है, 3 आदमी की मृत्यु हो गई है, एक महिला को निवास घुमाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराधियों और गुंडों का राज काम हो गया है, लोग असुरक्षित हैं, बिहार तबाह है। मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसको लेकर कल जदयू जो है सरकों पे उतरी थी और गृहमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। अरे पहले तो इस्तीफा नीतीश कुमार जी गृहमंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो क्यों नहीं इस्तीफा कर रहे हैं? रोज हत्या, रोज मर्डर, रोज रेप, अब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? बेगूसराय में निवस्त करके महिला घुमाया गया, क्या बोलेंगे? अपने चेहरे को देखें कौन? अरे अरे कौन? माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संवेदना बहुत ही हृदय से व्यक्त की है, घोर अपराध हुआ है, शर्मसार देश हुआ है, उन्होंने कहा है कार्रवाई करने के लिए, सरकार कार्रवाई कर रही है और कहीं भी किसी रूप में अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, ये कमिटमेंट है। दो महीने से मोदी जी मौन थे, इस तरह की बात कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार पहले माफी मांगे, जाए ना निवास करके घुमाए, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? कल बेगूसराय में खुले आंखों से लोगों ने देखा, तीन हत्या मुजफ्फरपुर में हो गई, कोई ऐसा दिन है पटना सहित पूरे बिहार में हत्या नहीं हो रहा हो? क्या देखेंगे, क्या देखेंगे किसी दूसरे को? अपना चेहरा में जाके और सबसे पहले जा करके वहाँ जो गरीब आदमी, आम आदमी की हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, कहीं को लॉ एंड ऑर्डर है जी? न लॉ है ना ऑर्डर है, कहा तो नहीं अपराधियों का राज कायम हो गया है। ये जो विपक्ष सुपवा दे दूसरे चलनिया के है।